तो गाइस आपके वीडियोकॉन डीटीएच का जो डिश एंटीना है सही है, फिर भी आपके नो सिग्नल जो शो होता है डिस्प्ले पे एलईडी के, तो आपको क्या करना होगा गाइस, आपको इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट करते ही ये प्रॉब्लम मर जाएगी। तो सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे किया जाता है, तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को। मेरे एलईडी के डिस्प्ले पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, जिससे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच पाएंगे। तो बस आप लोगों को लेके चलता हूँ एलईडी वीडियो कॉन डीटीएच का जो सेटअप बॉक्स है उसके पीछे एक बटन होता है, ये प्रेस करने के लिए आप लोगों को क्या यहाँ से रिसेट इसका बटन है, तो इसे प्रेस करके रखना। और प्रेस करके रखने के बाद में आप लोग देख पा रहे हो तो एलईडी के डिस्प्ले पे कुछ टाइम के लिए ये कोड आ रहा है, तो इसी कोड के बाद में यहाँ आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट के जो अभी नया लेटेस्ट है वो यहाँ अपडेट के शो होने लग जाएगा। तो आप लोगों को जितनी टाइम तक इसे बटन को प्रेस रखना है, तो मैं अभी प्रेस रख रहा हूँ इस बटन को कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पर जो अभी ऑटोमेटिक जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएगी। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने अब बटन को यहाँ से हाथ को हटा लिया बटन से, और अब देखिए आप लोग जो ये सॉफ्टवेयर है ये आप लोगों के कंप्लीट होना चाहिए पूरा। तो गाइस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों के पास भी ये मैसेज वापस इस तरीके का शो होने लग जाएगा। तो आप लोगों को बस रिचार्ज करवाना होगा, रिचार्ज है तो आप रिफ्रेश कर सकते हो, इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया, उस वीडियो को देख के आप अपने सेटअप बॉक्स को रिफ्रेश कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।